हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज तो श्राद्ध खत्म हो गया, तो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। तो भाई बहुत से वीडियोज आ रहे हैं उस पर, तो मेरा आज थोड़ा ना वीडियो थोड़ा हट के है ना, मेकअप ना ड्रेस ना रिव्यू कुछ नहीं है। आज मैं एक ऐसी चीज़ का रिव्यू दूंगी जो काफ़ी लोगों को पसंद होगा। आज मैं खाने के आइटम पर रिव्यू दूंगी, और वो क्या है, वो जो है ना एक स्नैक्स आइटम है, बिस्किट। और वो शायद किड्स हो चाहे बड़े, वो सबका फेवरेट है। और मुझे इस ब्रांड का बिस्किट, देखो इस ब्रांड से ज़्यादा मेरी बेटी बगल में खड़ी, जैसे मैं पैकेट ओपन करूँ मेरी बेटी बस खाने के लिए खड़ी है। देखो ये वो खाने के लिए खड़ी है, तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बिस्किट है। जब ये कॉम्बो में आता है ना, मैं एक साथ कई उठा लाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके सारे फ्लेवर बहुत पसंद है। और ये जस्ट लाइक मुझे कुकीज़ का वो मतलब टेस्ट देती है, नॉर्मल बिस्किट अलग, लेकिन ये बिस्किट थोड़ा कुकीज़ टाइप का लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी ये कॉम्बो में आता है तो मैं एक साथ सारे इसके टेस्ट अलग अलग टेस्ट के रहते उठा लाती हूँ। तो चलिए आज मैं उसी ब्रांड का रिव्यू करती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे बिस्किट होते हैं। चलिए स्टार्ट करें सैम, नेक्स्ट स्टार्ट। तो वो है हमारा ब्रांड है हमारा यूनिबिक। यूनिबिक ब्रांड के बिस्किट का आज हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये कैसा बिस्किट है। फिलहाल मैंने तो बहुत ढेर सारे खा लिए हैं, काउंट नहीं है ये। मैं अभी जस्ट 20 दिन पहले लाई थी, तो एक तो ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा पैकेट बचे हुए, तो मैंने कहा इसका रिव्यू बना ही दे। तो मैंने अब बस ख़त्म होते टाइम नहीं लगता भाई, बिस्किट मैंने बहुत छुपा कर रखा, तो मेरा बचा है अभी। तो ये हमारा जो फर्स्ट थोड़ा वाला बिस्किट है, पहले इसके बारे में बताते हैं। ये जो है आपका यूनिबिक डेली डाइजेस्टिव ओटमील बिस्किट है। और ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल ना आप इस बिस्किट को खाएंगे ना, सैम को बहुत पसंद है। बिस्किट का साइज़ जो है इतना बड़ा है, मतलब सर्कल, मतलब अच्छे खासे, जैसे मैरीगोल्ड बिस्किट होता है बस उसी के साइज़ का होता है, बस थोड़ा मोटा होता है। और खाने में लगता है कि वाकई में ओट्स खा रहे हैं, ओट्स का टेस्ट भी आता है और मुँह में ओट्स भी आते हैं, मतलब इसमें ओट्स हैं थोड़े अच्छे खासे ओट्स लगते हैं कि हाँ हम लोग ओट्स वाले बिस्किट खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम मैदे का बिस्किट खा रहे हैं। तो फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ओट्स के जैसे लगता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने फाड़ा, मेरे पीछे खड़ी है सैम, चाहिए ये देखिए, ऐसे करके ये पूरा बिस्किट आएगा। मेरी बेटी ले लेके भाग रही, थोड़ा इसमें कचूमर हो गया, इसका निकल गया है। तो ये देखिए बिस्किट बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट होता है ना, कि बच्चे बूढ़े जवान कोई भी खा ले इसको। हाँ हाँ दे रही हूँ एक सेकंड बेटा, गिराना मत, नहीं तो चींटियाँ दावते वलीमा में आ जाएंगी, ठीक है ना। वो ना ज़्यादा कर करके इसका वो कहते हैं ना कि बिस्किट ज़्यादा दबाओ तो फूटने लगते हैं, ये ना शिट यार ऐसे ना हाथ लगने से टूट गया। ये देखिए बिस्किट, और बहुत ही टेस्टी लगता है, लंबे गले पर नहीं, नमकीन और मीठा दोनों है ना, एकदम मीठा है ना एकदम नमकीन में, टेस्टी बहुत लगता है। हैप्पी नमकीन और मीठा दोनों है, मतलब एकदम मीठा भी नहीं एकदम नमकीन भी नहीं है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाय से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अच्छा खासा है। मतलब आप एक बिस्किट खा लोगे ना तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइज़ भी अच्छा खासा है और थिक भी है। तो ये मेरा ये एक बिस्किट पहला वाला हो गया। अब जो सेकेंड है टेंटन एंड, ये सिक्स अलग हैं, ये सारे अलग अलग फ्लेवर के हैं। तो चलिए सारे फ्लेवर हम टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं, चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम लोग बिस्किट को। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने बिस्किट को यूनिबिक। एक तो हमने कुकीज़ ओटमील वाला हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, तो सेकंड हमारा है यूनिबिक का, ये है हनी ओटमील कुकीज़। ये हनी ओटमील कुकीज़ जो ये डाइजेस्टिव बिस्किट थे ओटमील वाले, सॉरी मैंने इसका प्राइस तो बताया ही नहीं और क्वांटिटी भी नहीं बताई। ये जो बिस्किट आता है ये एक पैकेट, ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा था एक पैकेट बिस्किट, लेकिन ये ऑफ़र में था तो मुझे एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री मिला। इट मींस कि अगर 50 का तो मुझे एक पैकेट ओनली 25 का पड़ा। ये 50 रुपीज़ का एक पैकेट है और सेल्फ लाइफ जो है इसकी 1 साल की होती है, और इसमें लिखा है कि भाई प्रोमो में ना तो एक साथ एक नहीं हो। और जो इसका वेट है 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम का ये पैक है, 50 रुपीज़ का एक पैकेट, और अच्छा खासा बिस्किट होता है इसमें, मतलब आप आराम से खा सकते हो। वैसे मेरे हबी और मैं एक बिस्किट ही खाते हैं, बहुत टेस्ट लगता है चाय के साथ। और जो सेकंड बिस्किट है वो थोड़ा छोटा पैकेट है, ये है यूनिबिक हनी ओटमील कुकीज़, ये भी ओटमील का ही है, मतलब ओट्स के बिस्किट हैं। और ये 25 रुपीज़ का है जस्ट इसका हाफ, वो 150 ग्राम का था, ये 75 ग्राम का है। एंड ये ओटमील हनी बिस्किट है यूनिबिक, और एकदम कुकीज़ टाइप का लगता है, मैं आपको दिखा देती हूँ फाड़ के। अब सारे बिस्किट तो फाड़ने ही पड़ेंगे ना, खाने तो फाड़ने पड़ेंगे भाई, तो मैं तो कैसे दिखाऊंगी, मैं कैसे आपको पता चलेगा कि बिस्किट कैसे टेस्ट कैसा है, कैसा बिस्किट है, तो मेरे को दिखाना ही पड़ेगा। एक मिनट बच्चे अपना माइक सेट कर लूँ, बोया का माइक लेना है, बस सोच रही हूँ कि जल्दी ले लूँ।
सब इस तरह से देखिए, ये जो बिस्किट है ना एकदम देखिए एकदम कुकीज टाइप का है, जैसे कुकीज़ नहीं मिलते, जैसे जब हम लोग CCD कॉफ़ी पीने जाते थे ना तो वहाँ पे ज़रूर ऐसी कुकीज़ मिलती थी, एक इतनी बड़े साइज़ की, मतलब इससे ट्रिपल साइज़ की कुकीज़ होती थी वो। तो ये देखिए, अब ये भी चाहिए तुम्हें, अब ये भी सैम को चाहिए। ओके देखे बारे के। और सबसे बड़ा एकदम एकदम जो है ना मीठी एकदम कम है, एकदम जिसको कम मीठा पसंद हो ना, कम मीठी बिस्किट बहुत बढ़िया टेस्ट में, एकदम कम मीठा है, लगता है वाकई में हनी पड़ा हुआ है। हर पैकेट में से एक एक बिस्किट जा रहा है भाई। अब सेकंड है जो थर्ड बिस्किट है वो बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट। तो ये चॉकलेट फ्लेवर है, चॉकलेट चिप्स कुकीज, इसमें चॉकलेट चिप्स कुकीज है बेटा। हिलाओ मत, गिर जाएगा मेरा मोबाइल। ये भी सेम 75 ग्राम का है, पर ये 30 रुपीज़ का है भाई। इसमें कुकीज़ पड़ा हुआ है, चॉकलेट चिप्स पड़े हुए हैं, तो ये तो महंगा होगा। ये 30 रुपीज़ का है, सेल्फ लाइफ 1 साल की होती है। मैंने सेल्फ लाइफ एक साल बोली थी ना, 1 साल नहीं होती है, ये होती है ओनली सिक्स मंथ, मिस्टेक किया था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो केवल 6 मंथ होती है, 1 साल नहीं होती, सॉरी गाइस। तो ये हो गया चॉकलेट फ्लेवर, वीट फ्लोर, और वाह ये आटे का ही बिस्किट है, मैदे का नहीं है, तो किसी तरह से नुकसान भी नहीं करेगा भाई। जो टार्टिंग वाले हैं जो मैदा प्रीफर नहीं करते कि मैदे वाला बिस्किट नहीं खाना, तो ये ले सकते हैं। वीट फ्लोर है, चॉकलेट चिप, शुगर, कोको सॉलिड, कोको बटर, जो जो केक में पड़ता है सारा कुछ दिया हुआ है। मैं दिखा देती हूँ कि अब कैसा है जो बिस्किट का आएगा टेक्चर, वो इस टाइप से आएगा, देखिए एकदम कुकीज टाइप से आता है, देखो आप लोग, मतलब बिस्किट के अंदर चोको चिप्स भी पड़े हुए हैं। बहुत टेस्टी यार, चॉकलेट बिस्किट की बात ही अलग है यार, मतलब प्यास लगी तो चॉकलेट बिस्किट मिल जाए क्या क्या। ये भी खाना है तुम्हें, ये भी खाना है, दो बिस्किट खा लिया है, खाना नहीं खाएंगे ना जी, ये गंदी बात, मम्मी खा ले। मेरे को बस टेस्टिंग का डिपार्टमेंट मिला है, बाकी चट करने का इनका डिपार्टमेंट है भाई, सैम बेटी का। तो भाई आपने चॉकलेट फ्लेवर देख लिया, वो भी माइंड ब्लोइंग अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है यार, मज़ा आता है, मतलब बच्चे बूढ़े जवान कोई भी खा ले। थैंक यू, हमारे धन्य हो गए भैया। बच्चे बूढ़े जवान कोई भी खा सकता है, और खाने में यार बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फ्लेवर पे आते हैं, कौन सा है, टेंटेडेन, हमारा जो नेक्स्ट फ्लेवर है कैश्यू नट कुकीज। इसमें नट्स एंड कैश्यू हैं, तो भाई नट्स वाले बिस्किट तो किसे पसंद नहीं आते, मतलब कहते हैं सारी कैटेगरीज की माइंड ब्लोइंग है, मतलब सारे बिस्किट ने खा के मजे आ जाने, बस ओट मिल हनी, ओट मिल चॉकलेट, और ये आपका चोको नट्स चोको नट्स कुकीज, सॉरी कैश्यू नट बोल दिया था, कैश्यू नट चोको कोकोनट्स कुकीज है, मतलब चॉकलेट प्लस आपका नट्स हैं इसके अंदर। खोल के देखते क्या क्या है भाई, बिना खोले तो पता चलना नहीं है। तो इसमें आपको कुकी नट्स भी मिलेंगे और साथ में चॉकलेट का फ्लेवर भी मिलेगा, टेंटेन गाइस। बिस्किट वाकई में बहुत ही, मतलब मैं ना बिस्किट के मामले में थोड़ा चूजी टाइप की, मुझे ऐसे बिस्किट नहीं पसंद आते, मैं मुझे बीच में 50-50 बहुत पसंद आता, लेकिन 50-50 ना बीच में मुझे उसका टेस्ट आटे जैसा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही चेंज कर दिया था, जैसे लगा मैं लोकल बिस्किट, हाँ वो जैसे लगता कि नकली बिस्किट है, ऐसा मुझे फील होता है, और नकली मिलते हैं। लेकिन जब 2 साल से मैं इस बिस्किट को कंटिन्यू खा रही इस ब्रांड का, मुझे वाकई में कभी भी टेस्ट चेंज नहीं लगा अभी तक, तो फिलहाल अब आगे का देखती हूँ मैं। तो ये भी बिस्किट देखिए एकदम कुकीज टाइप का, मतलब जो जो सोचते हैं कि हम कुकीज़ थोड़ा महंगा आता है, नो डाउट कुकीज़ अगर आप लेने जाओ तो थोड़ा महंगा मिलता है, तो अगर आप सस्ते में कुकीज़ चाहते हो तो भाई ये तो मुझे ब्रांड सबसे, कुकीज़ भी खाने को मिल जाता है और बिस्किट का टेस्ट भी अच्छा होता है, प्लस मैदा भी नहीं रहता है और मीठी कम भी रहती है, मतलब काफ़ी चीज़ें वैरायटी एक साथ मिल जाती है। तो भाई जब इतनी सारी वैरायटी एक बिस्किट मिल ली तो हम क्यों ना खाएं। तो ये हो गया मेरा वन ऑफ द चॉकलेट बिस्किट, ये भी मस्त है क्या क्या। अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए। तो ये हो गया चॉकलेट फ्लेवर, आपको भी लो बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट बच्चों का फेवरेट चॉकलेट बिस्किट, लो। नहीं नहीं एक खाना, सब नहीं, इसीलिए मैं छुपा के रखी थी, पता है मैं कह रहा मैं सब खा लूँगा, नो अयो को वीडियो बना लो उसके बाद, ओके दावत दावत पार्टी बाद में। और जो मेरा नेक्स्ट फ्लेवर है गाइस वो है
और गाइस जो हमारा नेक्स्ट फ्लेवर है वो कैसे वो कौन सा है, तो चलिए उसको भी हम लोग ओपन करके देखते हैं कौन सा फ्लेवर है। वो हमारा फ्लेवर है यूनिबिक का कैश्यू एंड कुकीज़। अच्छा मैंने पहले यही पैकेट उठाया था तो नाम में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो कोकोनट्स था और यह कैश्यू कुकीज़। माई काजू वाले बिस्किट किसको पसंद नहीं है, काजू कतली से लेके काजू ही सबको पसंद आते हैं तो काजू की बात ही अलग है। तो ये कैश्यू कुकीज़ हैं, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और ये भी सेम 25 रुपीज़ का है, 6 मंथ सेल्फ लाइफ है और 75 ग्राम का है, सेम टू सेम 75 ग्राम के हैं। और नीचे से ना इसके पॉलिथीन एक पैकेट ये नीचे से और लगा हुआ है सपोर्ट, मतलब कि नीचे गिरे ना बिस्किट, और ऊपर से आपको इसे लेना है। ये देखिए इसके अंदर काजू है लेकिन अभी दिख नहीं रहा मेरे को, शायद नहीं नहीं है, इसके अंदर कैश्यू है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में है। टेस्टी है, पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे चाहिए। अच्छा खा लियो, गया बिस्किट। तो ये भी बिस्किट सिंपल और बहुत ही कम मीठा है, स्वीटनेस की बहुत कम है। आप चाहो तो जिसको कम मीठा खाने का मन हो वो आराम से ले सकता है बिस्किट। तो भाई एक ये बिस्किट रुक गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है हमारा भाई चाय के लिए फेवरेट। और नेक्स्ट जो हमारा बिस्किट है वो जो चाय पीने के लिए ज़बरदस्त बिस्किट है वो है नमकीन बिस्किट। इनका है इनका दूसरा जीरा दूसरा लिखा है जीरा कुकीज़ है, यूनिबिक ब्रांड का ये जीरा कुकीज़ है। तो वाओ जीरा कुकीज़ मतलब कुकीज़ ही है, अब हम लोग बिस्किट बोलते लगवाते हैं कि कुकीज़ का एकदम फ्लेवर देता है, टेस्ट तो बिल्कुल भी इसका कुकीज़ वाला ही है। लेकिन अभी फ्लेवर कौन सा, ये जीरा का फ्लेवर है। इसमें देखिए जीरा भी कितना बड़ा सा पड़ा है, इतना सॉफ्ट है ये, मतलब जी मतलब इतना सॉफ्ट बिस्किट है, मतलब गर्मी में इचिंग हो रही है, इतना सॉफ्ट बिस्किट है ना कि आराम से आप काट लो, मतलब बुढ़े लोग के ना जिनके दांत नहीं होते उनके तो बहुत ही बढ़िया, चाय के साथ दे दो डिप करके ऐसे खा लेंगे। वाह कितना अच्छा मैं कर, वाकई बहुत अच्छा, क्योंकि जीरा बिस्किट है ना, जीरे की स्मेल तो ऐसी माइंड ब्लोइंग होती है और वाकई बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। चाय के साथ ना मस्त लगेगा, आज शाम को मैं अपने पतीले के साथ यही खाऊंगी चाय के साथ। अब ओपन कर लिए तो चाय के साथ तो खाना बनता ही है ना। अब जो लास्ट बिस्किट मेरा बचा है भाई, ये कौन सा है, शक्ल से तो मैंगो फ्लेवर लग रहा है बट मैंगो फ्लेवर नहीं है, ये है बटर कुकीज़। मुझे बटर कुकीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, मुझे पता नहीं बहुत अजीब गुड्डे बिस्किट नहीं आता बटर वाला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और वो बटर बिस्किट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है, अब टेस्ट करना तो बनता ही है ना, ये कैसा बिस्किट है। खाने पीने में कि वो रिव्यू करने में मज़ा आता है ना, खाओ पियो भी रिव्यू भी करो मस्त वाला। तो ये हमारा बटर कुकीज़ है, टेंटन ये हमारा बटर कुकीज़, बिल्कुल प्लेन है एकदम पिज़्ज़ा के बेस जैसा, सिंपल कुकीज़ का टेस्ट और सॉफ्ट और क्रिस्पी भी है, बिस्किट सारे क्रिस्पी हैं, मतलब खाने में मज़ा आ जाना। ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि बटर है और सब में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो सबका अलग टेस्ट है। तो मेरे सारे बिस्किट कैसे लगे आपको, 6-7 बिस्किट टोटल मैंने आप लोग को दिखाया अलग अलग टेस्ट, एक है ओटमील, एक है चॉकलेट ओटमील, एक है चॉकलेट बिस्किट, एक है जीरा बिस्किट, एक है कैश्यू, एक है नट्स बिस्किट और ये लास्ट बटर बिस्किट। तो मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक मैं बिस्किट इंजॉय करती हूँ अपना, और बेटे को भी चॉकलेट बिस्किट देती हूँ, और आप लोग भी जाके मार्केट से बिस्किट लीजिए। हाँ मैं बता दूँ, मैंने ये ऑनलाइन भी मिलता है और मैंने ये रिलायंस फ्रेश से ख़रीदा था, तो मुझे कॉम्बो पड़ा था डिस्काउंट के साथ पड़ा था, तो आप भी डिस्काउंट चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे ऑनलाइन कहीं इसका लिंक मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दूंगी, ताकि आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, बिस्किट खाते रहो और मुझे सब्सक्राइब जरूर करते रहना, प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। हाँ बिस्किट को लेके जो हाथ जोड़ती हूँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर हो सके तो शेयर भी कर देना यार, सब बिस्किट देख लेंगे खा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।